न्यूज नशा, आदत हर खबर की। आरएसएस के एक सदस्य ने बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय पर यौन शोषण में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। इसके बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने मालवीय की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। ये भी कहा है कि उन्हें तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। इधर अमित मालवीय ने भी पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाने वाले आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा पर मानहानि के लिए 10 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है। साथ ही अपमानजनक पोस्ट हटाने की मांग की है। वकील की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है, आरोपों की प्रकृति अत्यंत आपत्तिजनक है क्योंकि इसमें मेरे मुवक्किल पर कथित तौर पर यौन दुराचार का झूठा आरोप लगाया गया है। यह उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। वे एक सामाजिक व्यक्ति हैं। बता दें कि शांतनु सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाया है कि मालवीय ने पश्चिम बंगाल में रहने के दौरान महिलाओं के साथ गलत संबंध बनाए। इन आरोपों के बाद अमित मालवीय बुरी तरह घिर गए हैं। कांग्रेस ने तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, भाजपा नेता राहुल सिन्हा के रिश्तेदार आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा का आरोप है कि भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने नापाक गतिविधियों में लिप्त हैं। वह महिलाओं का यौन शोषण करते हैं, सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यालयों में भी। हम भाजपा से मांग करते हैं कि महिलाओं के न्याय के हित में उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, जब तक अमित मालवीय इस्तीफा नहीं दे देते इस मामले की निष्पक्ष जांच करना संभव नहीं है। सुप्रिया ने कहा, हम भाजपा से बंगाल में महिलाओं के लिए न्याय की मांग करते हैं, चाहे लखीमपुर हो, हाथरस हो, बिल्किस बानो हो या हमारे एथलीट हो। हर बार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया है, इस बार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बारे में कोई ना कोई फैसला जरूर करेगी। 24 घंटे नहीं हुए हैं एनडी गठबंधन की सरकार बने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के अंदर से, संघ के अंदर से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगा रहे हैं। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूं, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में ये काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके ये भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर, और अमित मालवीय का नाम लेकर उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। महज संयोग नहीं है कि फिर से यौन शोषण का आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगा जो सत्तारूढ़ दल में एक बड़े पद पर बैठा है, जो प्रचार प्रसार का एक तरह से प्रमुख है, जो नैरेटिव बनाता है। इस व्यक्ति ने अपना इतिहास, इनका खखोल लीजिएगा, इतने ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बिठाना यह बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। यह वो व्यक्ति है जिसने खुलेआम पोर्नोग्राफी की बात करी है, यह वो व्यक्ति है जिसने विपक्ष के खिलाफ सार झूठ, मनगढ़ंत कहानियां, हर तरह के षड्यंत्र रचे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को किनारे रखकर इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तक को नहीं बख्शा, उनकी अपनी बहन और भतीजियों के साथ की फोटो को इसने दुष्प्रचार करके चलाया, लांछन लगाए। इस आदमी ने
राहुल गांधी के बयानों को काट छाट कर उनकी छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया। इस व्यक्ति ने तमाम मर्यादाओं को लांघते हुए सोनिया जी के खिलाफ, विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया। कोई राजनीतिक मर्यादा, कोई राजनीतिक शुचिता इस आदमी ने नहीं रखी और एक ऐसी फेक न्यूज फैक्ट्री बना दी बीजेपी की, जो सिर्फ झूठ, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां रचती है, आधा सच और पूरा झूठ फैलाती है। मैं जानना चाहती हूं, बीजेपी की आईटी सेल है या दरिंदों का जमावड़ा है? आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के आईआईटी बीएचयू का वो गैंग रेप कांड, जिसमें सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, आनंद चौहान जैसे लोगों का नाम आया था। ये सब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े करीबी लोग, लेकिन ये बीजेपी की आईटी सेल के संयोजक, सह संयोजक और उसके सदस्य थे। तो दरिंदों का जमावड़ा है क्या बीजेपी की आईटी सेल? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि बीजेपी की आईटी सेल में कैसे लोग हैं भाई। एक ध्रुव सक्सेना था, आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पकड़ा गया था, हिंदुस्तान में मुखबिरी करता था आईएसआई के लिए। ये किन दरिंदों से, किन लोगों से भरा हुआ है बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, बीजेपी की आईटी सेल? और बीजेपी में कितने महिला विरोधी लोग हैं भाई, हाथरस से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेकर चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बेटी बिल्किस बानो हो, चाहे वो इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी बेटियां हो, हर बार आरोपी बीजेपी का नेता, कभी कुलदीप सेंगर तो कभी चिन्मयानंद तो कभी ब्रजभूषण तो कभी अंकिता भंडारी का हत्यारा जिसके पिता बीजेपी के नेता है। कैसे लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है? और सवाल इस बात का है कि इतने गंभीर आरोप आपके बड़े पदाधिकारी के खिलाफ लगे हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बीजेपी की ओर से, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उस पर एक्शन लेने की बात नहीं। तो आज सवाल इस बात का है कि सुई टपक सन्नाटे का सच क्या है, किसको बचाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है, किसके कहने पर बचाया जा रहा है? अगर इतना बड़ा आरोप किसी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी पर लगा है तो बीजेपी का नेतृत्व क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी किस मुंह से महिलाओं की संरक्षण की बात करते हैं जब वो संरक्षण हर बार आरोपी को देते हैं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।